मूज जट्टा बिग बॉस ओटीटी पर घर के अंदर है। हम सभी जानते हैं कि मूज सोशल मीडिया पर हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। अपने हाफ न्यूड वायरल वीडियोस के कारण मूज को हमेशा से ही सोशल मीडिया में लाइमलाइट रहने का शौक है। इस चीज को बिग बॉस के घर में अब एक्सपोज करते हुए नजर आए प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक आज मूज के साथ गार्डन एरिया में बैठे हुए नजर आए और इनके बीच यही बातें चली। प्रतीक मूज के पास नहीं बैठते तो मूज मुंह बना लेती है। तो प्रतीक कहते हैं, तू ये मत सोच कि मैं तेरे पास बैठना नहीं चाहता, बस मेरा मन नहीं है, अभी लेटने की इच्छा कर रही है। तभी दोस्तों वहां पर वो बात करते हैं कि उनकी वीडियोस के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा गई थी जब वो एक साइट पर लाइव आ गई थी बिना कपड़ों के। इस बारे में प्रतीक ने जिक्र किया और कहा कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ और मैंने तुझे सोशल मीडिया पर अच्छे से नोटिस भी किया है। तू इस घर में कभी फेक बन के रह ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर जो तेरी पर्सनैलिटी है, जो तेरी इमेज है, तू वही यहाँ पे कैरी करेगी तो तुझे फ़ायदा होगा। तो मूज यहाँ पर कहती है कि मुझे एक्टिंग करनी आती भी नहीं है, मैं जो करती हूँ साफ कर देती हूँ और खुले दिल से करती हूँ, मुझे किसी बात पर कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने क्या कर दिया। प्रतीक कहती है, इसीलिए मैं तेरे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ कि तू फेक बनेगी तो खुद की ही मात खाएगी और दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तू रियल ही खेलेगी। तू ये मत सोचना कि मैं तेरे पास आना नहीं चाहता या बैठना नहीं चाहता, मेरी लेटने की इच्छा है तो मैं इसलिए दूर हूँ तुझसे। तो मूज कहती है, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वीडियो की जिक्र यहाँ पर ज़्यादा मत करो। और मूज का यहाँ पर थोड़ा सा रुआना सा मुँह हो जाता है। दोस्तों मूज के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें खेलो खेलो और बेखबर जानने के लिए।